नमस्कार, अजय भांबी चैनल यानी एबीसी में आप सबका स्वागत है। हम बताने जा रहे हैं अगस्त महीने का मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि का भविष्यफल। परिणामों की दृष्टि से इस महीने को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत अच्छा है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें अगर निपटाने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा ही सेकेंड हाफ के बारे में नहीं कहा जा सकता। आपकी राशि से सप्तम भाव में सूर्य और मंगल चल रहे हैं। मंगल 8 तारीख को अष्टम हो जाएगा और सूर्य 17 तारीख को अष्टम हो जाएगा। इन दोनों के फलस्वरूप धीरे धीरे स्थितियां थोड़ी सी नेगेटिव भी रहेंगी। हालांकि बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है। बृहस्पति खास तौर से आपकी राशि से एकादश भाव में है और उसके कारण इम्बैलेंस होते हुए भी कहीं ना कहीं आप बैलेंस बैठा सकते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा शारीरिक कष्ट भी आ सकता है। रोग आदि के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार में भी किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसे आपसी सहमति से अगर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जोखिम उठाने की दृष्टि से सेकेंड हाफ माकूल नहीं है, अतः इस बात का अवश्य ध्यान रखें। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।